साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, गांव के ही नाबालिग लड़के पर दुष्कर्म का आरोप, नाबालिग आरोपी को किया पुलिस के हवाले। 4 घंटे बाद लहू से लथपथ बच्ची का शुरू हुआ इलाज। मामला कोआकोल थाना के रूखी गांव का है, जहां गांव के ही एक लड़के पर 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोपी लड़का भी नाबालिग है और उसकी उम्र महज 14 साल है। इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद लड़का फरार हो गया, लेकिन देर शाम तक गांव वालों ने आरोपी को पकड़ लिया। परिवार वालों के मुताबिक बच्ची खेलकर अपने घर आ रही थी, तभी रास्ते में आरोपी एक पेड़ के नीचे बैठा था, जो बच्ची को बहला फुसला कर पास की ही एक गौशाला में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बदहवास हालत में रोते हुए बच्ची जब घर पहुंची तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बच्ची लहू से लथपथ थी। हाँ, बच्ची खेलने गया था। अच्छा। उसके साथ गलत रेप हुआ। उसके बाद हम रोते हुए घर आया तो खून से लहलहाल था, तो हम ले गए सरकारी अस्पताल कौआ कोल, वहाँ से रेफर काबल नहीं हमसे सुधरेगा जो नवादा ले जाए। यहाँ आए तो इलाज हुआ आपका? नहीं, यहाँ अभी इलाज नहीं हुआ सर। कितना देर से आए हुए हैं अस्पताल? अभी 2 घंटा हो गया। परिजनों ने बच्ची को PHC में भर्ती कराया, जहां खून ज्यादा बहने की वजह से उसे नवादा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन बेबस बच्ची के परिजन उसे 4 घंटे तक गोदी में लिए अस्पताल में इधर से उधर भटकते रहे, लेकिन 4 घंटे तक बच्ची का इलाज शुरू नहीं किया गया। अस्पताल कर्मियों ने पहले पुलिस को सूचना दी, बाद में महिला थाना प्रभारी के अस्पताल पहुंचने पर उसका इलाज शुरू किया गया। उधर गांव वालों ने आरोपी लड़के को भी पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिली कि सदर अस्पताल में एक बच्ची आई हुई है और जिसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है। सूचना पाकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। बच्ची और उसके गार्जियन से पूछताछ की गई है। आवेदन मिलने पे FIR दर्ज किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कितना साल की बच्ची है? बच्ची की उम्र 5 साल है। जो इसमें आरोपी है उसका उम्र क्या है, उसकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं? आरोपी की उम्र जहाँ तक ये लोग वादी पक्ष बता रहे हैं 10 साल बता रहे हैं और इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इतनी सी उम्र में इतना जघन्य अपराध कोई कैसे सोच सकता है? हवस का हैवान किस उम्र का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किस दर्जे का है, वो किस भेष में है, ये कोई नहीं जान सकता। जरूरत है ऐसे में सावधान रहने की। गुनाह के लिए नवादा से शैलेश कुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।